गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विवास लाइफ में। होप करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है पितर समदनी और हम लोग के यहाँ पितर समदनी के दिन कढ़ी, बारा, चावल यही सब खाना बनता है, तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। आज बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे दही बड़ा, क्योंकि हमको दही बड़ा पसंद है, और गिन के दो या चार बनाएंगे ये प्याज वाला बड़ा, मतलब बिना दही वाला सूखा बड़ा। उसके लिए ये प्याज, लहसुन, मिर्ची सब तैयार कर लिए हैं, और बनाएंगे कढ़ी। कढ़ी उड़द दाल थोड़ा सा ही भिगाए हैं, तो उसका ही बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करेंगे उड़द दाल में कढ़ी के लिए, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट से बना लेते हैं। और उड़द दाल का जो कढ़ी बनाते हैं वो तो आप लोगों के साथ शेयर किए ही हैं, तो अभी बस फटाफट से बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड, देखिए ये लहसुन भी मतलब हो गया है, मिर्ची, प्याज ये सूखा बड़ा में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बाकी कढ़ी में डालेंगे। और ये भी हम घोल के रख लिए हैं बेसन और मठा, और ये मेरा उड़द दाल, इसको भी धुल के पीस लिए हैं, अब चल रहे हैं छानेंगे। तो फटाफट से छान लेंगे पहले ये बड़ा, इतना ये उड़द का दाल है, तो इसमें हम दही बड़ा थोड़ा सा बनाएंगे अपने लिए और थोड़ा सा सूखा बड़ा बनाएंगे। लेकिन अभी जो थोड़ा सा सामान डालेंगे वो तो सारा दही बड़ा में भी पड़ता है और इसमें भी, तो ये अजवाइन डाल दिए हैं और ये रहा हींग, हींग हो गया, और उसके बाद हल्का सा इसमें नमक डालेंगे, ये नमक हो गया, और थोड़ा सा जीरा हो गया। तो इसको अभी सारे दाल में मिक्स कर देंगे। तो ये पूरा मिक्स कर दिए हैं, तो इसमें से हम दही बड़ा का अलग निकाल देंगे और सूखा बड़ा बनाएंगे, जैसा हम बताए चार पांच ठो, बस घीन के बनाएंगे, ज्यादा नहीं, छोटा छोटा। तो इसमें हम अब डालेंगे ये थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा प्याज, ये हम डालेंगे सूखा बड़ा में। ये हो गया, और मेरा तेल भी इधर गरम हो रहा है, तेल रखती हैं गरम होने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका बड़ा बना लेंगे, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालेंगे कलर के लिए। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसे सूखा बड़ा ना बड़ा ही टेस्टी लगता है, एकदम कुरकुरा मस्त। और ये दाल भी हम एकदम दरदरा पीसे हैं, एकदम बारीक नहीं पीसे हैं, दरदरा रहता है तो ये और भी अच्छा लगता है। तो इसको बनाने के लिए हाथ में पानी लगा लेंगे, और उसके बाद इसको ऐसे ले करके हाथ पे इसको ऐसे करेंगे छेदा, उसके बाद इसको इसमें इसी तरीके से दूसरा भी बना लेंगे, इसी तरीके से सारा बड़ा बना लेंगे, आराम आराम से इसको डालना है। हम चार ठो बोले थे लेकिन पांच ठो बन गया है, टूट गया एक और, हो गया। बंद करा दूं। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा बड़ा एक साइड से हो गया है, अभी इसको पलट देंगे, ये तो मुड़ गया,
तो इसको एकदम अब क्रिस्पी होने तक इसको छान लेंगे। बस बन के तैयार हो गया मेरा पड़ा। उसके बाद इधर बनाएंगे इसका दही बड़ा, और उसके बाद थोड़ा सा कढ़ी बनाएंगे और चावल। तो मिलेंगे आप लोगों से हम खाना बनाने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा बड़ा बन के तैयार है और ये एकदम बहुत ही क्रिस्पी। एक ये डालते समय मुड़ गया था, ये आड़ा टेढ़ा बन गया और ये सही बना है। तो अभी इसको ना हम लोग खाएंगे, अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। तब से ये बड़ा अभी हम डाल दे रहे हैं कढ़ाई में, बनाते रहेंगे और इसका नाश्ता करते रहेंगे। एकदम क्रिस्पी मस्त। आ जाइए सब लोग नाश्ता करने। अब हम लोग चल रहे हैं नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे क्योंकि भूख लग गया है। चलिए मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा सारा खाना तैयार हो गया और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने। तो देखिए आज मेरे यहाँ खाने में क्या क्या बना है। तो ये देखिए, ये मेरा खाना तैयार है। ये है कढ़ी जो कि हम इसमें तड़का लगा दिए थे, कड़ी पत्ता और जीरा राई का। और ये रहा मेरा दही बड़ा, और ये जो सॉरी मिर्ची बनाए थे वो, सलाद और ये चावल रोटी। तो ये है मेरा आज का खाना। और ये सलाद ना बहुत ही बढ़िया यम्मी यम्मी बना है। इस सलाद में है खीरा, मूली, टमाटर, उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाले हैं, थोड़ा सा सरसों तेल, उसके बाद नींबू। ऐसे ना ये वाला सलाद खाने में बड़ा ही मज़ा आता है, चावल दाल से और ही अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे किसी भी चीज़ से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का खाना, अब हम लोग चल रहे हैं खाने। तो मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। सो फ्रेंड्स, मेरा खाना पीना हो गया और एक लोग खाना खा के गाड़ी धुल रहे थे। ये गाड़ी देखिए कैसे धुल रहे हैं, ऊपर से पानी, ये देखिए पाइप ऊपर से लगाए हैं, ये बाल्टी। और ये इनका गाड़ी, अब ये गाड़ी धुलेंगे। खाना खा लिए हैं, अब गाड़ी धुलने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं सोने। तो अभी मौसम बढ़िया है, गर्मी नहीं है, उमस नहीं है, लेकिन अब हम जा रहे हैं सोने। खाना खा लिए हैं तो अब चल रहे हैं सोएंगे। आप लोगों से मिलेंगे अब शाम को। तो चलिए मिलते हैं शाम को। तो फ्रेंड्स, हम पपीता हम लोग नाश्ता कर लिए और अभी हमको मार्केट में काम है। तो अब चल रहे हैं मार्केट और अभी यहाँ कल्याण भवन आ गए हैं। यहाँ किसी का कुछ होगा, उसका तैयारी चल रहा है। तो बस अब चलिए। हाँ, यूट्यूब चैनल है ये सब, नए मेंबर मेरे यूट्यूब के, नई फैमिली। हाँ तो चलिए मिलते हैं मार्केट से आने के बाद। सो फ्रेंड्स, रामलीला मैदान में टहलने आ गए हैं और यहाँ रामलीला का रिहर्सल हो रहा है। अभी देखिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिहर्सल 3-4 दिन से हो रहा है और बाहर में ही होता है। तो कल से तो अभी रामलीला शुरू होने वाला है, नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होता है। तो आज बहुत ही बढ़िया से सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये रामलीला मैदान को 3 भाग में बांट दिया गया है, जाली के थ्रू, जाली लगा के 3 हिस्से में बांट दिए हैं। तो चलिए पहले दिखाते हैं रामलीला का रिहर्सल। बहुत ही बढ़िया रामलीला होता है रेणुकूट का। तो ये देखिए, ये है जो ये साइड में है, ये वाला भाग, ये है सीता जी का घर, ये जो है
ये सीता जी का घर है, बीच में ऊपर में राम जी का मूर्ति है, नीचे में गणेश जी का, और ये राम जी का घर है। और उसके बाद इधर में बनाया गया है कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत है। और उसके बाद ये जो बादल बादल जैसा चित्र बनाया गया, यहाँ पे लड़ाई होता है, सीता हरण होता है, सारा कुछ इधर ही होता है। मतलब इसको भी पार्ट में बांट दिया गया है, राम जी का अलग घर है और इधर सीता जी का अलग है। सब बहुत ही बढ़िया रामलीला होता है रेणुकूट में, और बहुत बढ़िया से मतलब सजाया भी जाता है और होता भी है। तो ये देखिए जाली लगा है, ये है जाली, तो इसके जो उस साइड में है, उस साइड में हाँ वहाँ पे वीआईपी लोग का है, बैठते हैं, और इधर जेंट्स पूरा बैठते हैं। और ये जो वाइट कलर का बाम्बू दिख रहा है, इसके उस साइड में सारी लेडीज लोग रहती हैं। तो तीन हिस्से में बांट दिया गया है, सामने का जो भाग रहता है ना, जो वीआईपी लोग रहते हैं वहाँ पास मिलता है तभी लोग जाते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं जाते हैं। तो पास उन्हीं लोग को मिलता है जिसके बच्चे यहाँ काम करते हैं या जो स्टाफ में है, अधिकारी हैं, उन लोग को पास मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है पास। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग टहल लें, देख हाँ ये पूरा छका गया है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है उसी में टहलेंगे, टहलेंगे भी और इन्जॉय भी करेंगे रामलीला का। तो चलिए मिलते हैं अब टहलने के बाद। इधर रावण का देखिए, अभी इसका मुंडिया कितना बड़ा बनेगा। हो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रावण बहुत पहले से मतलब कई दिन हो गया बनते हुए, ये देखिए उसका मुंडी बन रहा है, गजब बड़ा बन रहा है, और दिन रात काम लगा है इसमें। और देखिए अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये कब तक होता है पूरा। तो ये रहा रावण, इधर बन रहा है, इधर भी पूरा जाली से सब छेक दिए हैं, जहाँ तक रावण बन रहा है उसका धड़ बन चुका है, मुंडी अलग बन रहा है, उसका पैर अलग बन रहा है, फिर अलग अलग बना के जोड़ेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा टहलेंगे, उसके बाद चलेंगे घर सोएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का ब्लॉग, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अच्छे से नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।